हेलो गाइज, वेलकम टू हाईटेक इन्फो यूट्यूब चैनल। तो गाइज, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे आप अपने टेलीविजन का सॉफ्टवेयर अपडेट कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको जो ट्रिक बताने वाला हूँ, उस ट्रिक की मदद से आप किसी भी टेलीविजन का सॉफ्टवेयर अपग्रेड कर पाएंगे। तो गाइज, आज के इस वीडियो में मैं अपने इस टेलीविजन का सॉफ्टवेयर अपग्रेड करने वाला हूँ विद द हेल्प ऑफ USB पेन ड्राइव। तो USB पेन ड्राइव की मदद से मैं इस टेलीविजन में सॉफ्टवेयर अपग्रेड करने वाला हूँ। तो गाइस, टेलीविज़न का सॉफ्टवेयर अपग्रेड करने से पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि आपके टेलीविज़न में कौन सा मदरबोर्ड है, क्योंकि आप जो सॉफ्टवेयर अपने इस टेलीविज़न में इंस्टॉल करेंगे वो कंपैटिबल होना चाहिए आपके मदरबोर्ड के साथ। तो आपको कौन सा सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है, इसके लिए सबसे पहले आपको अपने टेलीविज़न का बैक पैनल ओपन करना होगा। तो चलिए हम इस टेलीविज़न का बैक पैनल को कर लेते हैं ओपन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, हमने टेलीविज़न का बैक पैनल ओपन कर लिया है और हमारे सामने अभी ये मदरबोर्ड है इस टेलीविज़न का। और इस मदरबोर्ड का नाम आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसका नाम है CV338HA50। ये इस मदरबोर्ड का नाम है। तो हम जो सॉफ्टवेयर डाउनलोड करेंगे डैट शुड बी कंपैटिबल विद दिस मदरबोर्ड। तो गाइस, आप में से कई लोग ऐसे होंगे जो टेलीविज़न का बैक पैनल ओपन नहीं करना चाहते होंगे, तो उन लोगों को मैं बता देता हूँ कि विदाउट ओपनिंग योर टेलीविजन बैक पैनल आप ये कैसे पता लगा सकते हैं कि आपके टेलीविज़न में कौन सा मदरबोर्ड है। तो जैसे कि गाइस, टेलीविज़न के मोस्टली मदरबोर्ड जो है चाइनीज़ होते हैं, और जैसे कि आप इस मदरबोर्ड का नाम देख सकते हैं, इसका नाम है CV338HA50। ये गाइस एक 50 इंचेस का टेलीविज़न है, इसलिए इसके पीछे A50 है। अगर आपका 43 या 32 या 55 या 60 इंचेस का टीवी है, मान लीजिए आपके पास 32 इंचेस का टीवी है, तो पॉसिबली आपके उस टेलीविज़न में CV338HA32 मदरबोर्ड हो सकता है। उसी प्रकार अगर आपका टेलीविज़न 40 इंचेस का है, तो हो सकता है कि आपके टेलीविज़न में CV338HA40 मदरबोर्ड हो सकता है। तो जैसे कि ये एक 50 इंचेस का टेलीविज़न है, इसमें CV338HA50 मदरबोर्ड लगा है। तो गाइज, मैं हर टेलीविज़न का सॉफ्टवेयर का डाउनलोडिंग लिंक शेयर कर दूंगा वीडियो डिस्क्रिप्शन और साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में। आपके पास जो भी टीवी हो, किसी भी ब्रांड का हो, किसी भी रिजोल्यूशन का हो, हर एक टेलीविज़न का सॉफ्टवेयर डाउनलोडिंग लिंक मैं शेयर कर दूंगा। तो उस लिंक की मदद से आप वन क्लिक में आप अपने टेलीविज़न के मदरबोर्ड में कंपैटिबल सॉफ्टवेयर आप डाउनलोड कर पाएंगे। तो वीडियो डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में मैंने लिंक दे दिया है, उस लिंक में जाकर आप सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर सकते हैं। तो अब हम इस टेलीविज़न के बैक पैनल को दोबारा से बंद कर देते हैं। तो अब हम सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर लेते हैं जो हमारे टेलीविज़न के मदरबोर्ड के साथ कंपैटिबल है। तो सॉफ्टवेयर का डाउनलोडिंग लिंक मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन और साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में भी पिन कर दूंगा। तो वीडियो डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में दिए गए लिंक की मदद से आप कंपैटिबल सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर लेंगे। अब यहाँ पर आपको कंपैटिबल सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर लेना है, आपको सिंपली क्लिक करना है डाउनलोड पर। तो अब आपके सामने एक zip फाइल आ जाएगी जो कि आपको डाउनलोड करना होगा। तो इस zip फाइल को डाउनलोड करने के लिए आपको सिंपली क्लिक करना है डाउनलोड एनीवे पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये zip फाइल यहाँ पर डाउनलोड हो रही है। कुछ ही मिनट के अंदर ये zip फाइल डाउनलोड हो जाएगी। इट टोटली डिपेंड्स ऑन योर इंटरनेट स्पीड। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये zip फाइल डाउनलोड हो चुकी है। अब हम zip फाइल को कर लेते हैं ओपन। तो अब हम इस zip फाइल को दूसरे फोल्डर में कर लेते हैं मूव। आप चाहे तो डायरेक्टली इसको मूव कर सकते हैं, या फिर आप कट करके भी दूसरे फोल्डर में पेस्ट कर सकते हैं। तो इसको हम मूव कर लेते हैं आई ड्राइव में। तो अब आपको इस zip फाइल को करना होगा अनजिप। अनजिप करने के लिए आपको सिंपली राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट फाइल्स पे करना होगा क्लिक। अब यहां पर आपको पाथ चूज कर लेना है किस पाथ में आप इस zip फाइल को अनजिप करना चाहेंगे। तो हम इसी फोल्डर में इस zip फाइल को अनजिप कर लेते हैं। पाथ चूज करने के बाद यू हैव टू क्लिक ऑन ओके। तो यहां पर आप देख सकते हैं, हमारी फाइल अनजिप हो चुकी है। अब हम इसको ओपन कर लेते हैं।
इस एमजी फोल्डर को ओपन करने के बाद इसमें आप 3 बिन फाइल देख पाएंगे। अब आपको ये जो सबसे ऊपर ये जो बिन फाइल है ctvupgrade.bin, इस फाइल को आपको मूव करना है आपके पैन ड्राइव में। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं USB पैन ड्राइव की मदद से अपने टेलीविजन का सॉफ्टवेयर अपग्रेड करने वाला हूँ, तो अब हम इस ctvupgrade.bin फाइल को मूव कर लेते हैं हमारे पैन ड्राइव में। तो चलिए अब हम इस PC में USB पैन ड्राइव लगा लेते हैं। तो पैन ड्राइव हमने लगा लिया है। पैन ड्राइव लगाने के बाद यहाँ पर ये पैन ड्राइव इसने डिटेक्ट कर लिया है। तो अब सबसे पहले इस पैन ड्राइव को बूटेबल बनाने के लिए आपको इसको करना होगा फॉर्मेट। तो अब हम इस पैन ड्राइव को कर लेते हैं फॉर्मेट। आपको इस पैन ड्राइव को फॉर्मेट करने के लिए सिंपली राइट क्लिक करना होगा। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप एक फॉर्मेट का ऑप्शन देख पाएंगे। देन यू हैव टू क्लिक ऑन फॉर्मेट। नाउ यू हैव टू क्लिक ऑन स्टार्ट, देन क्लिक ऑन ओके। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पैन ड्राइव सक्सेसफुली फॉर्मेट हो चुका है। तो चलिए अब हम वापस उस आई ड्राइव में जाते हैं। आई ड्राइव में जाके हम उस अनजिप फोल्डर को ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद जो सबसे पहले ही जो बिन फाइल है ctvupgrade.bin, इस फाइल को हमको मूव करना होगा हमारे पैन ड्राइव में। आप चाहे तो सिंपली सेंड टू करके पैन ड्राइव में मूव कर सकते हैं, या फिर आप इस ctvupgrade.bin फाइल को कॉपी करके अपने पैन ड्राइव में पेस्ट भी कर सकते हैं। तो चलिए अब हम इस फाइल को मूव कर लेते हैं हमारे पैन ड्राइव में। तो ये बिन फाइल मूव होने में थोड़ा टाइम ले सकता है। तो कुछ ही मिनट के अंदर ये बिन फाइल आपके USB पैन ड्राइव में मूव हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं ये ctvupgrade.bin फाइल हमारे पैन ड्राइव में आ चुका है। अब हम सिंपली पैन ड्राइव को करेंगे इजेक्ट। तो इस टेलीविजन में सॉफ्टवेयर अपग्रेड करने से पहले मैं आपको दिखा देता हूं कि इस टेलीविजन में क्या इशू है। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ये टेलीविजन बूट हो रहा है। बूट होने पे लोगो आ रहा है और लोगो आने के थोड़ी देर बाद ये टीवी ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं टेलीविजन की ये जो पावर लाइट है ये लाइट ब्लिंक कर रही है। इसका मतलब टेलीविजन सॉफ्टवेयर को लोड करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इस टेलीविजन के सॉफ्टवेयर में कुछ इशू होने के कारण ये टेलीविजन सॉफ्टवेयर को लोड नहीं कर पा रहा है। तो जिस वजह से मैं इस टेलीविजन में फर्मवेयर को दोबारा से इंस्टॉल कर रहा हूँ। तो चलिए अब हम इस पैन ड्राइव को लगा लेते हैं हमारे इस टेलीविजन के USB पोर्ट में। तो इस प्रकार से आपको इस पैन ड्राइव को लगा लेना है टेलीविजन के USB पोर्ट में। पैन ड्राइव को टेलीविजन में लगाने के बाद आपको टेलीविजन का पावर ऑन करना होगा। टेलीविजन में पावर देने के बाद आपको इस प्रकार से कुछ सेकंड्स तक इस टेलीविजन के पावर बटन को दबा के रखना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा ये टेलीविजन यहाँ पे सॉफ्टवेयर अपग्रेड कर रहा है और सॉफ्टवेयर अपग्रेडेशन में यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लग सकता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा रहा है अपग्रेडिंग सॉफ्टवेयर, प्लीज डू नॉट टर्न ऑफ। तो जब तक ये सॉफ्टवेयर इस टेलीविजन में इंस्टॉल हो रहा है तब तक आपको टेलीविजन में कोई भी छेड़खानी नहीं करनी है। आपको टेलीविजन ना ही बंद करना है ना ही कुछ छेड़खानी करनी है इसमें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे इस टेलीविजन में सक्सेसफुली सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो चुका है और यहाँ पर आप देख सकते हैं अब हमारा ये टीवी प्रॉपरली वर्क कर रहा है। इस टेलीविजन में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने से पहले इस टेलीविजन में सिर्फ लोगो आता था, उसके बाद टेलीविजन अपने आप ही बंद हो जाता था। लेकिन अब आप देख सकते हैं हमारे टेलीविजन सॉफ्टवेयर अपग्रेडेशन के बाद बिल्कुल प्रॉपरली वर्क कर रहा है। तो गाइस आज की इस वीडियो में आपने सीखा किस प्रकार से आप अपने टेलीविजन का सॉफ्टवेयर अपग्रेड कर सकते हैं। गाइज मैं सभी सॉफ्टवेयर का डाउनलोडिंग लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन और साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा। तो उस डाउनलोडिंग लिंक की मदद से आप अपने टेलीविजन का कंपैटिबल सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर पाएंगे। वैसे दोस्तों आई होप आज के वीडियो आप सभी के लिए जरूर हेल्पफुल होगी और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक और अपने सभी दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों अगर आपके कोई भी सुझाव है इस वीडियो के रिगार्डिंग तो आप इस वीडियो के नीचे लिखे कमेंट सेक्शन में अपने वैल्यूएबल कमेंट्स जरूर कीजिएगा। और दोस्तों अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो आप अभी कभी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपको इस वीडियो के नीचे लिखे लाल कलर के सब्सक्राइब का बटन को अभी कभी दबा देना है और आप सब्सक्राइब करने के बाद आप बेल आइकन को भी जरूर दबा दीजिएगा ताकि सबसे पहले आप हमारी वीडियो देख सके। तो दोस्तों नमस्कार।